आज मैं आपको लेकर आया हूँ इंडिया की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ पे रोजाना 10,000 किलो आलू भुजिया नमकीन को बड़ी बड़ी ऑटोमेशन द्वारा तैयार किया जाता है। और इंडिया में आपको ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ पे आलू भुजिया को खाया नहीं जाता। और दिखाता हूँ आपको इसको फैक्ट्री लेवल पे कैसे तैयार किया जाता है। तो आज यहाँ पे बनने जा रही काका जी की फेमस भुजिया। तो सर प्रोसेस क्या रहता है इसका? इसमें अलग अलग मटेरियल डलता है, बेसन वगैरह, पोटैटो फ्लेक वगैरह। तो ये अब अपना प्रीमिक्स बना रहा है, फिर इसको डो मिक्सर के पास लेके जाएगा। तो सबसे पहले इसमें वाटर डाला जा रहा है। सर मशीन कौन सी रहती है? ये डो मिक्सर मशीन है हमारी, इसमें डो बनेगा। अब इसमें रेसिपी के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी बेसिकली कश्मीरी मिर्च है, डो में कश्मीरी मिर्च डाली जाती है स्वाद के लिए। थोड़ा इसको पानी में घुमाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। तो पानी में हल्दी डाल दी गई है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी गई है, इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लिया जाएगा। तो रिवर्स और फॉरवर्ड करके इसने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी इसमें डालने जा रहे हैं पोटैटो फ्लेक्स। अब इसमें हम अपना प्रीमिक्स डाल रहे हैं, जो हमारा प्रीमिक्स है रेसिपी के हिसाब से हम इसमें अपना पूरा कम्प्लीट डो तैयार कर रहे हैं। ये डो तैयार करने का हमारा प्रोसीजर है, SOP है, बनाई हुई है कि ऐसे ऐसे हमने सिक्वेंस में काम करना है। डो रेडी होने में मेरा लगता है 3 से 4 मिनट। तीन से चार मिनट बेसन का मिक्सचर इसमें डाल दिया गया है, मसाले डाल दिए गए हैं, एकदम भर के जैसे होते हैं। यहाँ पे हमारी मशीन को चलाया जा रहा है। क्वांटिटी हमारी अब पूरी हो चुकी है, हमने 50 kg के हिसाब से अपना डो तैयार करने के लिए मशीन को चला दिया है। अब इसमें हम पाम ऑयल डाल रहे हैं। अब ये हमारा डो पूरा बन के तैयार हो गया। अब हम इसको एक बकेट में लेंगे। ये लड़के ने चेक कर लिया है कि ये डो तैयार हो चुका है, डो हमारा तैयार है। देखो अब इसको डो को हम एक बकेट में निकाल लेते हैं। देखो ये डो को निकाल रहे हैं। तो डो हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको अलग से निकाला जा रहा है। यहाँ पे 25 kg के पर लोग डो भरेंगे अपने एक बकेट में। ये दो बकेट निकलेंगे इसे 25 kg की, और उसको एक्सट्रूडर पे ले जाया जाएगा। ये लड़के अपना डो तैयार करेंगे, अब नेक्स्ट लड़का है जो हमारा, वो उसको लेके जाएगा अपने एक्सट्रूडर के पास। ये हमारी आलू भुजिया हमने क्या किया है, इसमें एक एक्सट्रूडर में अपना डाई लगाई हुई है, जो हमें शेप चाहिए भुजिया की, आलू भुजिया की जो शेप होती है। और ये हमारा नमकीन का फ्रायर है, 500 kg पर घंटा हम इस पे आलू भुजिया तैयार करते हैं। तो फ्रायर देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा है, एकदम मैसिव लेवल का इनका फ्रायर है, जिसपे की भुजिया को अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। तो जो हमने डो रेडी किया था ऑटोमेटिक मशीन पे आ चुका है, अब यहाँ पे इसकी फीडिंग की जाएगी। तो एक एक करके देख सकते हैं, हमें बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हमारी यहाँ पे भुजिया रेडी की जा रही है। हमारी जो आलू भुजिया है ना, वो हमारी फ्राई होके हमारे पास आ गई है। कि इसको एक देखो आपने, गोल गोल घूम रहा है, ये हमारा क्रशर है। जब फ्रायर से हमारी भुजिया निकलती है तो वो एक अनइवन शेप में होती है, उसको प्रॉपर शेप देने के लिए हमने इसमें ये क्रशर लगाया हुआ है। ये घूमता है और भुजिया को जो साइज हमें चाहिए उस साइज में कन्वर्ट कर देता है। ये मशीन लगी हुई है, अब ये लड़का आलू भुजिया का मसाला जो हम इस पर एप्लीकेशन करते हैं उसको ऊपर में डालता है ऐसे। कितने वैरायटी की आलू भुजिया बनती है? आलू भुजिया की वैरायटी एक ही है हमारे पास। तो ऊपर में जो 20 किलो मसाला डाला है वो देख सकते हो धीरे धीरे इसमें से निकल रहा है, और अच्छे से भुजिया के साथ इसको मिक्स किया जा रहा है। ये देखो नीचे एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, वाइब्रेटर इसको स्कार फीडर बोलते हैं। ये पूरा वाइब्रेशन करके ना टम्बलर में मसाले को बिखेर के एप्लीकेशन कराता है। तो सर पूरा प्लांट ऑटोमेटिक है? ये पूरा प्लांट ऑटोमेटिक है, एक्सट्रूडर से लेके फाइनल पैकिंग तक हमें किसी प्रोडक्ट का टच नहीं करने की जरूरत है, पूरा ऑटोमेशन चलता है हमारा, हर एक चीज़ ऑटोमेटिक है हमारी। तो देखो भुजिया को अच्छे से मसालों के साथ इसमें मिक्स किया जा रहा है, और ये ड्रम देख सकते हो कितना बड़ा है। एक एक करके यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग की जा रही है। ये जाली लगी हुई है, जैसे कोई हमारा फाइंस वगैरह हल्का माइनर वो होते हैं, प्रोडक्ट होता है माइनर जो चूरा टाइप होता है, उसको ये निकाल देती है बाहर और उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं ताकि चूरा ना जाए, ना जाए पैकिंग के अंदर, अच्छी भुजिया जाए, अच्छा शेप जाए। तो सर यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है अभी? ये क्या है, रिटेंशन कन्वेयर से हम ना इसको फीड करा रहे हैं पैकिंग के अंदर। अब देखो रिटेंशन से वाइब्रेटर के अंदर आया, और वाइब्रेटर से अब बकेट एलिवेटर के होते हुए पैकिंग में जा रहा है। ये सब होता है नमकीन के थोड़ा सा कूलिंग करने के लिए। हमारे अंदर पैकिंग में AC लगा हुआ है, बहुत बड़ा अच्छा सेटअप है AC का। AC कोड के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि नमकीन को हम ठंडा हाफ करके ही पैक करें। एकदम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं यहाँ पे। देखो लिफ्ट के थ्रू ये ऊपर जा रही है भुजिया, और उसके बाद आगे इसका पैकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसकी हाइट जैसे तो कितनी ज़्यादा है, और बहुत सारी लिफ्ट सही जा रही है ऊपर भुजिया को लेके। तो सर ये कौन सी मशीन लगी है यहाँ पे? ये मल्टी हेड वेयर बोलते हैं इसको, ये जापान से हमने परचेज की हुई है। ये क्या करती है, इसका काम है बेसिकली वेट करने का। ये वेट करती है और स्पीड में वेट करती है, 100 bags per minute ये वेट कर रही है इस टाइम। देख सकते हो यहाँ पे फटाफट एकदम पैकिंग का काम चल रहा है, कार्टन भर के यहाँ पे हमारे पैकेट्स पैक किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तो ऑटोमेटिक तरीके से पैकिंग की जा रही है, नाइट्रोजन फील की जा रही है,
और डिजायर्ड क्वांटिटी में यहाँ पे आपको आलू भुजिया पैक होती हुई दिख जाएगी। बाद हमने एक पैकेट टेक ऑफ कन्वेयर लगा रखी है, इससे ना हमारी पूरी स्ट्रिप निकल के आती है ताकि फिजिकल कोई डैमेज ना हो मशीन पैकेट को, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। हमारा कार्टन पूरा कंप्लीट हो गया, फिर इस पर टेपिंग की जाती है। देखो हमने अपनी अब टेप लगाने के बाद ये वेट करेंगे कार्टन का। अब कार्टन हमारा कन्वेयर पे चला गया देखो, और ये हमारा डिस्पैच लोकेशन पे वहाँ पे चला गया आलू भुजिया। तो मैंने आपको दिखा तो दिया आलू भुजिया का पूरा प्रोसेस, कैसे आलू भुजिया बनाई जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट में कैसा रहता है। तो ये है इनकी पैकिंग, 1970 से ये ब्रांड है, काफी पुराना ब्रांड है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया और आप चेक कर सकते हो 10 रुपए में आपको कितनी सारी यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाएगी। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वाकई में काका जी की जो आलू भुजी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रही है, काफी अच्छे से इसमें मसाला मिक्स किया गया था, खातों का इस्तेमाल बिल्कुल कम होता है, सब ऑटोमेटिक मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। तो इनका जो आलू भुजी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। इसके अलावा आपको और भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपको चिप्स मिल जाएगा, आपको दाल मिल जाएगी, नमकीन मिल जाएगी, काफी सारे प्रोडक्ट हैं और अपने लोकल इंडियन ब्रांड को सपोर्ट कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।